हरे कृष्णा, टुडे वी विल सी द क्लॉक. ओके, आपके घर में आपने सबने क्लॉक देखी होगी, तो आज हम देखेंगे कि हम लोग उसका जो टाइम होता है उसको कैसे जज करते हैं, कैसे देखते हैं. ओके, क्लॉक होती है, क्लॉक में आपने टू हैंड्स देखे होंगे, एक बड़ा कांटा होता है और एक छोटा कांटा होता है. ओके, जो ये कांटा जो होता है उसको बोलते हैं आवर्स हैंड, और जो बड़ा कांटा होता है उसको बोलते हैं मिनट हैंड्स. ओके, मतलब जो छोटा कांटा होता है उससे हम जो आवर्स होते हैं उसको जज करते हैं, और जो बड़ा कांटा होता है उससे हम लोग क्या देखते हैं, मिनट्स देखते हैं कि कितने मिनट्स हुए. ओके, द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, वॉच में आपने देखे होंगे 1 से लेके पूरे 12 तक नंबर्स होते हैं, आर मार्क्ड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक. ओके, क्लॉक में होते हैं, अ क्लॉक हैज टू हैंड्स. कितने हैंड्स होते हैं क्लॉक में? 1 एंड 2. ओके, और एक कांटा और होता है, वो होता है सेकंड का कांटा. ओके, जो हमेशा घूमता रहता है, टिक 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 टिक, ठीक है, वो कांटा होता है सेकंड का. द शॉर्ट हैंड टेल्स द टाइम इन आवर्स. जो शॉर्ट हैंड होता है, जो छोटा कांटा होता है, वो क्या बताता है? आवर्स बताता है, कितने घंटे हुए हैं वो बताता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आवर हैंड. ओके, इसको हम लोग आवर हैंड भी बोलते हैं. ओके, द लॉन्ग हैंड टेल द टाइम इन मिनट्स. लॉन्ग हैंड जो होते हैं वो टाइम क्या बनाते हैं? मिनट्स में बताते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनट हैंड. इसको हम क्या बोलते हैं? मिनट हैंड्स भी बोलते हैं. ठीक है, दिस हैंड्स टर्न्स एज टाइम पासिस. ओके, ये टर्न, ये जो होते हैं हैंड्स होते हैं, ये टाइम निकलता जाता है और ये अपनी जगह से खिसकते जाते. ओके, जैसे अभी 2 बजने वाली है, फिर 2 बज जाएगी, फिर धीरे 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 कांटा घूमेगा, 3 बजेगी, फिर 4, फिर 5, ऐसे ये टाइम जैसे जैसे निकलता जाता है ये कांटे घूमते जाते हैं. ओके, व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12. जब मिनट का कांटा जो होता है वो 12 पे आ जाता है, मिनट का कांटा जब वो है 12 पे आ जाता है, द आवर एंड टेल अस द टाइम ऑफ द डे. ओके, तो वो क्या बताता है? टाइम क्या हुआ, दोपहर का कितना टाइम हुआ है वो बताता है, जब आवर का कांटा 12 पे आ जाता है. ओके, तो बताता है कि कितना एग्जैक्ट टाइम हुआ है. लुक एट द क्लॉक. अब इस क्लॉक में हम लोग देखते हैं जो मिनट का जो कांटा है वो कितने पे है? 12 पे है. ओके, और जो घंटे का कांटा है, मतलब आवर का कांटा है, वो कितने पे है? 3 पे. तो एग्जैक्ट कितने बजे हैं अभी? 3 o'clock. एग्जैक्ट कितने बजे हैं? 3 o'clock. ओके, सो द टाइम इज 3 o'clock और 3. ओके, हम लोग कैसे शो करेंगे उसको? 3 o'clock और 3. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 5, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक. ठीक है, क्लॉक के हिसाब से आपको टाइम बताना है. फर्स्ट, यहाँ पर छोटा कांटा जो है वो 8 पर है, मतलब आवर्स एंड जो है वो 8 पर है, एंड मिनट हैंड काय पे है? 12 पे. तो कितना बज रहा है? 8 o'clock. ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आवर एंड जो है वो 6 पर है और मिनट हैंड 12 पर है, मतलब कितना टाइम हो रहा है? 6 o'clock. ओके, 6, राइट. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आवर एंड जो है वो 5 पर है एंड मिनट हैंड काय पे है? 12 पे. तो कितना टाइम हो रहा है? 5 o'clock. 5 o'clock. ओके, 5. देन आवर हैंड जो है वो, आवर हैंड जो है वो 11 पर है और मिनट हैंड वो है 12 पर. तो कितना टाइम हो रहा है एग्जैक्ट? 11 o'clock. सो 11, राइट. ओके, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन क्लॉक्स वन हैंड इज मिसिंग, मेक हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम. ओके, यहाँ पर हमको टाइम दिया हुआ है, हमको एक हैंड गायब है उसका, वो हैंड बनाना है. ओके, सो 10, एग्जैक्ट 10 हो रहा है. तो देखो, मिनट का जो हैंड है वो तो 12 पर है, अब 10 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो आवर हैंड है उसको हम लोग कहाँ पर लाएंगे? 10 पर. 10 पर हम लोग आवर हैंड बना देंगे, तो ये क्या टाइम हो गया? 10 o'clock, राइट. नेक्स्ट, 2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 पर आवर हैंड बनाना पड़ेगा, आवर हैंड बना देंगे, तो मिनट हैंड ये हो गया 12 पर और आवर हैंड हो गया हमारा 2 पर. तो कितना टाइम हो गया? 2 o'clock. नाउ 7, तो हमारे पास अब आवर हैंड दिया हुआ है 7, हमको कौन सा हैंड बनाना है? मिनट हैंड. तो मिनट हैंड जब हम 12 पर बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कितना टाइम हो गया? 7 o'clock. ओके,